दोस्तों, भारतीय संस्कृति में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व तो है ही, पर साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य संबंधित भी उनका कुछ खास मकसद होता है। अलग अलग त्यौहारों में किया जाने वाला अलग अलग खान पान हो या फिर उपवास हो, ये सब हमारे स्वास्थ्य से कहीं ना कहीं संबंधित होता है। और इन्हीं त्यौहारों में से एक आता है कोजागिरी पूर्णिमा। कोजागिरी पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है, शरद पूर्णिमा के दिन दूध पीने का बहुत अनन्य साधारण महत्व होता है दोस्तों। पर ये पिया शरद पूर्णिमा के दिन पिया जाने वाला ये दूध किस तरह से पिया जाना चाहिए, किस तरह से उसे बनाना चाहिए, किस तरह से इसका सेवन करना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो के लिए, जिसमें हम जानेंगे कोजागिरी पूर्णिमा का महत्व और हमारे स्वास्थ्य संबंधित लाभ के बारे में। तो मैं अर्चना वैदिक पंचकवि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, और आज हम जानेंगे कोजागिरी पूर्णिमा के आरोग्यवर्धक लाभ। दोस्तों, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा यानी कि कोजागिरी पूर्णिमा का प्राचीन काल से ही बहुत महत्व रहा है। ऐसा कहा जाता है कि धन की देवी महालक्ष्मी का समुद्र मंथन के द्वारा इस दिन उत्पत्ति हुई थी। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की तिथि पर देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ, और इस रात वो अपने वाहन में सवार होकर भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस रात रात भर जागकर महालक्ष्मी देवी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि इस रात चंद्र अपने 16 कलाओं में चमकता है, और चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों, बिहार और पश्चिम बंगाल में इस व्रत को कोजागरा व्रत कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कौन जाग रहा है व्रत। और जो भी चंद्रमा के प्रकाश में जागरण करता है उसे धन और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो ये तो हो गया कोजागिरी का धार्मिक महत्व। आइए अब जानते हैं कोजागिरी का हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या उपयोग होता है। दोस्तों, कोजागिरी पूर्णिमा की रात बहुत से लोग मार्केट में जाते हैं और मसाला दूध खरीद के लाते हैं और उसका सेवन करते हैं। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा करने से आप केवल कोजागिरी की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, कि इस तरह का दूध पीने से आपको औषधि लाभ तो कुछ नहीं मिलेंगे, पर हो सकता है कि आपकी सेहत को नुकसान ही हो। क्योंकि कोई भी पाउडर वाला डेयरी में पैक किया हुआ जर्सी का भैंस का दूध आपको वो औषधि गुणधर्म नहीं दे सकता जो एक देसी गाय के भारतीय देसी गाय का दूध आपको दे सकता है। दोस्तों, वसंत का मूल उद्देश्य होता है हमारे पित्त को कम करना और हमारी प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना। ऐसे में ज़रूरी होता है कि आप सही तरह से पकाए हुए दूध का ही सेवन करें। तो आइए जानते हैं कि कोजागिरी की रात जो दूध हम सेवन करते हैं उसे किस प्रकार से पकाना है। दोस्तों, कोजागिरी की रात में खुले आसमान के नीचे चंद्रमा के शीतल प्रकाश में हमें शुद्ध देसी गाय का दूध, देसी चावल और देसी खांड शक्कर या फिर मिश्री, इन चीज़ों का मिश्रण करके हमें खीर बनानी चाहिए, जिसमें भरपूर मात्रा में चंद्र का प्रकाश पड़े, चंद्र की किरणें उसमें पड़े, और इस तरह से पकाई हुई खीर का ही हमें सेवन करना चाहिए। वक्त खीर को पकाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें खीर के बर्तन को कुछ इस प्रकार से रखना है कि उसमें भरपूर मात्रा में चंद्रमा की जो किरणें हैं वो उस पर पड़ती रहे। दोस्तों, खीर बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसमें सूखा मेवा यानी कि जैसे ड्राई फ्रूट्स, केसर, इन चीज़ों को नहीं मिलाना चाहिए। हल्दी को भी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है वो उष्ण तासीर की होती है, गर्म तासीर की होती है, और इन चीज़ों को दूध में मिलाने की वजह से दूध की तासीर भी उष्ण हो जाती है। ऐसे में यह खीर आपका पित्त कम करने के बजाय उसको उल्टा बढ़ा देती है। तो अगर आप इस तरह से पकाई हुई खीर में कुछ मिलाना चाहते ही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इलायची इसमें मिला सकते हैं। दोस्तों, कोजागिरी की रात में इस तरह से सेवन किया गया भारतीय गाय का दूध दमा और अस्थमा के पेशेंट्स के लिए एक दवा की तरह काम करता है। तो कोई भी दमा अस्थमा वाला पेशेंट क्यों ना हो, उसे इस तरह से बनाए हुए खीर का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा बद्ध कोष्ठता यानी कि कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स को भी इस तरह से पकाई हुई खीर का सेवन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात कम से कम 45 मिनट तक शरद पूर्णिमा स्नान जरूर करना चाहिए। ध्यान रहे कि इस तरह से स्नान करते वक्त कम से कम कपड़े पहने हो, या फिर जितना व्हाइट कपड़े या फिर सफ़ेद कपड़े जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहनते हो उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन चंद्रमा के विशेष प्रभाव से समुद्र में तक ज्वार और भाटा आता है। तो जब चंद्रमा इतने बड़े समुद्र को उथल पुथल करके उसे कंपायमान कर सकता है, तो ज़रा सोचिए हमारे शरीर में जो जलीय अंश है, जो सप्त धातु है, सप्त रंग है, उन पर चंद्रमा के किरणों का कितना प्रभाव पड़ता होगा। तो आइए अब जानते हैं कि कोजागिरी की किरणों का हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। एक, दोस्तों, नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए दशहरा से लेकर शरद पूर्णिमा तक हर रोज कम से कम 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा की ओर देखकर त्राटक करना चाहिए। दो, प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के प्रकाश में रखी हुई खीर का हमें जरूर सेवन करना चाहिए। तीन, शरद पूर्णिमा की रात दमा और अस्थमा के पेशेंट्स के लिए वरदान की तरह होती है, तो ऐसे में इस रात पेशेंट्स ने सोना नहीं चाहिए बल्कि रात भर चंद्रमा के प्रकाश में रखी हुई खीर का सेवन करना चाहिए। चार, इस रात चंद्रमा के प्रकाश में सुई में धागा पिरोने का प्रयोग करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। पाँच,
शरद पूर्णिमा की रात काम विलास करने से विकलांग संतान पैदा होने की संभावना होती है। 6. हमारे नेत्र अग्नि तत्व के प्रभाव में होते हैं, तो हमारे नेत्र ज्योति को शांत करने के लिए कम से कम 20 मिनट तक कोजागिरी के दिन हमें चांद की ओर जरूर देखना चाहिए। 7. ऊपर बताए गए विधि अनुसार अगर हम खीर बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं तो इससे अगले साल भर तक हमारा पित्त शांत होता है और हम किसी भी वायरल अटैक से बचते हैं। दोस्तों, पंचगव्य चिकित्सा में तो कोजागिरी पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि पंचगव्य चिकित्सा में यूज़ की जाने वाली जो नेत्र औषधि होती है वो साल भर में बस सिर्फ एक इसी एक दिन में बनती है। यही एक रात होती है जब ये नेत्र औषधि बनती है। खुले आसमान में चंद्रमा के प्रकाश में इस नेत्र औषधि को बनाया जाता है, और यही वजह है कि कोजागिरी पूर्णिमा के दिन दिन के अलावा और कोई भी दिन नहीं होता है जब ये औषधि बन पाती हो। तो आप ही सोचिए कि कोजागिरी पूर्णिमा की जो किरणें होती है वो कितनी पावरफुल होती है और उनका हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। और पंचगव्य चिकित्सा में यूज़ की जाने वाली ये जो नेत्र औषधि है, ये हमारी आँखों की बहुत सारी बीमारियाँ ठीक करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, जैसे मोतियाबिंदु, आँखों में इन्फेक्शन हो, आँखों में चिपचिपापन हो, आँखों में जलन हो, या फिर आँखों की ज्योति बढ़ाना हो, इन सारे ही रोगों में ये नेत्र औषधि बहुत ही कारगर और बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। अगर आप भी इस तरह की नेत्र औषधि को पाना चाहते हैं तो आपके किसी भी नज़दीकी पंचगव्य चिकित्सक के पास जाइए, आपको उनके पास ये नेत्र औषधि ज़रूर मिल जाएगी। और फिर भी आपको ये औषधि उपलब्ध नहीं हो पाती है तो आप सीधे हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कोजागिरी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जो प्रकाश होता है, चंद्रमा की जो किरणें होती है, वो हमारे लिए कितनी लाभदायक और कितनी स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो आज का ये वीडियो हमें कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।